न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, समाजवादी पार्टी ने मेयर के 8 टिकट घोषित किए हैं। लखनऊ से वंदना मिश्रा सपा के प्रत्याशी घोषित की गई हैं, तो वहीं पर गोरखपुर से काजल निषाद को सपा का प्रत्याशी बनाया गया है। और प्रयागराज के अजय श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। झांसी से रघुवीर चौधरी को टिकट मिला है। मेरठ से अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिया गया है। और शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा का टिकट सपा ने फाइनल किया है। और फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा को टिकट दिया गया है। तो वहीं पर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या मेयर के लिए आशीष पांडे को सपा प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो देखिए, 8 टिकट मेयर के लिए घोषित किए हैं समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ से वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित की गई हैं। और गोरखपुर से काजल निषाद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। झांसी से रघुवीर चौधरी को टिकट दिया गया है। मेयर से अतुल प्रधान। और देखिए, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, अयोध्या से आशीष पांडे को टिकट दिया गया है। देखिए, अयोध्या मेयर के लिए आशीष पांडे को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। गोरखपुर से काजल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित की गई है। तो 8 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेयर के 8 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और देखिए, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, झांसी से रघुवीर चौधरी, सीमा प्रधान मेरठ से, तो वहीं पर शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, अयोध्या से आशीष पांडे, ये वो नाम जो समाजवादी पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं। तो कुल 8 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लखनऊ से वंदना मिश्रा को टिकट दिया गया है। गोरखपुर से काजल निषाद, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, झांसी से रघुवीर चौधरी और मेरठ से सीमा प्रधान, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा और अयोध्या से आशीष पांडे को टिकट दिया गया। तो देखिए, 8 प्रत्याशी घोषित किए गए। हमारे साथ संवाददाता संजय चौहान जुड़ गए। संजय, 8 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, किस तरह से देखा जा रहा है इस लिस्ट को? मैं बताऊं आपको कि सतरा नगर निगम के चुनाव को लेकर के करीब 8 जो कैंडिडेट हैं उनकी देर शाम पर समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है। और इसकी शुरुआत लखनऊ से अगर करें तो वंदना मिश्रा, इनका साहित्यिक क्षेत्र और एजुकेशन के क्षेत्र में खासा हस्तक्षेप है और कहीं ना कहीं बेहद सक्रिय इन क्षेत्रों में रहती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके जरिए निकाय चुनाव, जो बीजेपी की लखनऊ की सीट है वो पिछले 4 बार से बीजेपी के पास में, तो ऐसे में कैसे यहाँ पर साइकिल दौड़े उस पर विशेष फोकस किया है। बात करें काजल निषाद, गोरखपुर से काजल निषाद भोजपुरी एक्टर भी हैं और पिछड़े समाज से आती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव भी इन्होंने गोरखपुर के सीट से लड़ा था, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उनको गोरखपुर के जो नगर निकाय के चुनाव में महापौर का उम्मीदवार बनाया गया है। प्रयागराज की बात करें तो अजय श्रीवास्तव को इस बार उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। झांसी रघुवीर चौधरी, बड़े चेहरे हैं रघुवीर चौधरी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने पूरा भरोसा इन पर जताया है। मेरठ श्रीमती सीमा प्रधान, जो अतुल प्रधान की पत्नी है, जिसको लेकर के कल तकरीबन 2 घंटे तक पार्टी कार्यालय में मंथन हुआ और मेरठ के जो 4 विधायक जीते हुए हैं समाजवादी पार्टी के, उन सबको बुलाया गया था, जिला अध्यक्ष को बुलाया गया था। और बड़े मंथन के बाद अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान पर कहीं ना कहीं विश्वास जताया है।
उसके पीछे का बड़ा कारण है कि सीमा प्रधान लगातार जो सामाजिक संघर्ष है उसमें जो अग्रणी भूमिका निभाती है, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उसके बाद शाहजहांपुर श्रीमती अर्चना वर्मा जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, उनके पारिवारिक बहू हैं, उन पर भरोसा जताया। और शाहजहांपुर में तीन कैबिनेट मंत्रियों की भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर, पिछले चार बार से समाजवादी पार्टी सीट पर लगातार काबिज है। उसके बाद बात करें फिरोजाबाद में मसरूम फातिमा जो AIM में थी, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हुई, हालांकि टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन अब उनका सम्मान इस बार मेयर के पद के तौर पर किया जा रहा है। और अयोध्या आलोक पांडे पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। तो आठ कैंडिडेटों के जरिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तरीके से जाति समीकरण को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अगर बात करें तो ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है उसको पूरी तरीके से ले करके समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेटों की जो घोषणा है वो कर दी है, उसमें आठ कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए बात की जाए, चूंकि 17 अगर पहले चरण की बात की जाए संजय, तो 17 जो अप्रैल है वो नामांकन की अंतिम तारीख है, और उससे पहले 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बाकी जो 9 उम्मीदवार हैं उनकी अगर बात की जाए तो कब तक ये लिस्ट जो है वो बाहर आ सकती है? बिल्कुल, क्योंकि पहले चरण में 9 मंडल हैं, तो ऐसे में 8 कैंडिडेटों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है। माना जा रहा है कि आज शाम तक अपने जो और कैंडिडेट हैं उनको मंथन के बाद घोषणा कर दी जाएगी। कल देर रात तक समाजवादी पार्टी की बैठक चली थी, लखनऊ यूनिट के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुपाल यादव भी पार्टी कार्यालय में तकरीबन 9:15 बजे तक मौजूद रहे, और पूरे मंथन के बाद 8 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। जल्द ही और नामों की घोषणा वो कर दी जाएगी। शांतनु, बिल्कुल संजय, देखिए और गोरखपुर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये क्षेत्र है, और उनका जो प्रभाव है वो निश्चित तौर पर किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अगर बात की जाए जिस तरह से वहाँ पर प्रत्याशी को घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सांसद हैं उनका एक कार्ड निकालने की कोशिश की गई है संजय। बिल्कुल, चूंकि गोरखपुर CM योगी आदित्यनाथ का अपना गृह जनपद है, तो ऐसे में वहाँ पर किस तरीके से लड़ाई और तेज हो और कहीं कहीं लड़ाई तीखी हो, इसको लेकर के पुराना जो प्रैक्टिकल है समाजवादी पार्टी ने उसी को ही दोहराया। आपको याद होगा कि उपचुनाव का, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर निषाद पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और निषाद पार्टी का कैंडिडेट उतारा गया था, निषाद ही जाति से था, तो ऐसे में वो सीट जीतने में सफलता समाजवादी पार्टी गठबंधन को हुई थी। और यही वजह है कि इस बार काजल निषाद को उतार करके, चूंकि गोरखपुर के शहरी क्षेत्र में निषाद जाति का बोलबाला है, तो ऐसे में काजल निषाद जो भोजपुरी एक्टर भी हैं और समाजवादी पार्टी की जो तेज तरार लीडर के तौर पर मानी जाती है, तो ऐसे में उनको कैंडिडेट वहाँ पर उतार कर कहीं ना कहीं BJP को चुनौती देने का पूरा प्रयास किया है समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल, BJP किस तरह से कहा जाए कि इसका कार्ड ढूंढने वाली है संजय, गोरखपुर की अगर बात की जाए। और तमाम, देखिए ये भी कहा जा रहा था कि रोड शो किए जाएंगे, तमाम जो नेता है वो रोड शो करने के लिए जाएंगे और सभा करने के लिए जाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल था, उप मुख्यमंत्रियों का भी नाम शामिल था, तो किस तरह से कहा जाए कि जो काट है वो भारतीय जनता पार्टी इसकी ढूंढने वाली है? बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको कि BJP निकाय चुनाव को एकदम लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल मान करके चल रही है, और सभी जो हथियार उसने ईजाद किए हैं उनका प्रैक्टिकल तौर पर निकाय चुनाव में करने के मूड में है। यही वजह है कि दोनों DPCM समेत 17 मंत्रियों और मुख्यमंत्री के कंधों में जिम्मेदारी सौंपी गई कि निकाय चुनाव के जो नगर निगम खास करके महापौर है वहाँ पर जो प्रचार प्रसार है वो तेज किया जाएगा, रोड शो के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। सेवा सप्ताह 14 तारीख तक चल रहा है, उस पर लगातार BJP के मंत्री और बूथ लेवल तक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रबुद्ध मतदाता सम्मेलन है BJP वो भी कर रही है, और इन्हीं सब के जरिए केंद्र की योजनाएं हो या प्रदेश सरकार की योजनाएं, लाभार्थियों की संख्या बल हो, उन सब के आधार पर उन जन जन तक पहुंचने का प्रयास है, और इसी प्रयास से वो कहीं ना कहीं काट के जो चुनावी काट है उसे खोजने का प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 15 की शाम तक BJP के जो पैनल के नाम है वो मुख्यालय आज शाम तक पहुंच जाएंगे और 15 की शाम तक कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी। तो समाजवादी पार्टी ने जो चाल चली है उस पर BJP किस तरीके से काट करती है, क्योंकि लखनऊ में BJP समाजवादी पार्टी ने मास्टर कार्ड खेला है और गोरखपुर में भी कहीं ना कहीं BJP के जो गृह जनपद CM का है वहां पर BJP की न्यू हिलाने का प्रयास
किया गया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार समीकरण 7 में बीजेपी किन पर अपना जो है दांव खेलती है। बिल्कुल संजय, और देखिए बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ से अब जो एक मुकाबला है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प हो सकता है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सामने आया है उसके बाद से क्या भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना पहला दांव जो है ओपन कार्ड के तौर पर खेला है, तो ऐसे में अब बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार फिर से आज मंथन करेगी, क्योंकि कल देर शाम कैंडिडेट की घोषणा की गई थी। हालांकि अभी तक रेस में कई नाम शामिल थे और कई नामों पर विचार मंथन चल रहा था। हालांकि पैनल में नाम आज शाम तक मुख्यालय पहुंच जाएंगे, उसके बाद उसकी घोषणा होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी लखनऊ की महापौर की सीट, जिस पर लगातार 4 बार से काबिज है, उसे खोना नहीं चाहेगी, और यही वजह कि जाति समीकरण को साधते हुए स्थानीय मुद्दों को भी बल देते हुए कोई ना कोई मजबूत कैंडिडेट जरूर निकाल करके सामने लाएगी। बिल्कुल संजय, देखिए अगर बात की जाए जिस तरह से मेयर पद के लिए तमाम प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, निकाय चुनाव जो है वो होने वाले हैं, मुद्दे कौन कौन से बड़े जो मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी जो लगातार उठा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, स्थानीय मुद्दों को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर है बीजेपी पर। और स्थानीय मुद्दे लखनऊ की बात करें तो अभी भी आउटर में पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे जैसे जो तमाम बेसिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अभी भी काम कहीं ना कहीं करना बाकी है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी स्थानीय स्तर पर जो फाइट है वो करेगी। दलित बस्तियां हैं, आज भी गंदगी का आलम वहां पर रहता है, उपेक्षाएँ लगातार वहां पर की जाती है। तमाम ऐसी इलाके हैं जहां पर आज भी साफ सफाई, स्वच्छता का मिशन जो है वो देखने को वहां नहीं मिलता है। तो ऐसे मुद्दों पर चोट, बेरोजगारी, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ हाउस टैक्स और कहीं ना कहीं बिजली जो पानी का टैक्स है, इन तमाम मुद्दों को जो पेचीदे हो रखे हैं यहाँ लखनऊ समेत कई नगर निगमों में, उन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं धार तेज करती हुई समाजवादी पार्टी दिखने वाली है। आलो शांत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।